हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज आ गया हूँ IIT पटना, और आप लोगों के लिए जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा IIT पटना का, तो आप लोगों के लिए आ गए हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर कोई गेट के थ्रू आना चाहते हैं, PhD करने के लिए आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं डेफिनेटली, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो चलिए अंदर जाके हम लोग और सारी चीज़ों को देखते हैं। और ये नीचे इतनी सारी साइकिलें यार, तो IIT का ना यही एक खासियत है कि आप किसी भी IIT में जाओगे ना तो साइकिल सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा यार। तो ये देख रहे होंगे आप, साइकिल इतने ज़्यादा है ना कि सिर्फ यहाँ पे बच्चों का एक्चुअली अलाउड नहीं है बाइक वगैरह। तो ये देख पा रहे होंगे आप, सभी बच्चे यहाँ पे साइकिल ही मोस्टली यूज करते हैं, अदरवाइज ये पैदल यात्रा यूज करते हैं। तो ये IIT का बेनिफिट है, और बाकी कोई भी कॉलेज में नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको कार वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो ये IIT का एक बेनिफिट है, बाकी आगे की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी बीच का ये हॉस्टल दिखाता हूँ यार, ये हॉस्टल इस तरीके से ही है, ठीक है, नॉर्मली जैसे सारे कॉलेज में मोस्टली आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये तो ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू है, और आज बारिश का मौसम है तो इसके करके थोड़ा सा और फैंटेस्टिक लग रहा है, ठीक है। और इधर देखोगे तो ये अपना एग्जिट वगैरह है, और ये रहा वॉशरूम, दिखाता हूँ आपको। तो नॉर्मली वॉशरूम वैसे ही है जैसे हर एक कॉलेज में होता है, तो काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे का पार्ट और भी दिखाता हूँ आपको। पानी आ गया बाहर से ना, और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट है ना यार, हमारे कमरे, कॉलेज चाहे जो भी IIT के ना हो, रूम का हाल वही होता है, देख लो, ठीक है। आ जाओ फ्रेंड लोग, आ जाओ सर। तो ये है यार हमारे फ्रेंड शिशुपाल, ठीक है, और ये हमारे फ्रेंड गौरव। तो ये सर है यार, मैं सोच के तो ये आया था ना कि लाइक जो IIT होगा बंदे में एटीट्यूड होगा, वैसे गौरव अभी नए नए जस्ट फ्रेंड बने, तो यार एटीट्यूड जीरो है, कुछ नहीं इनमें एटीट्यूड है, लाइक जैसे नॉर्मल कॉलेज में होता है बिल्कुल वैसे ही है, और ये नॉर्मल आपके जैसा ही बंदा है यार। अगर आप एमटेक के लिए आना चाहते हो ना, तो गेट क्वालिफाई करके बढ़िया आ सकते हो, और अच्छा एमटेक की डिग्री लेके जा सकते हो। और मुझे लगता है ना, एक बार सभी को ना एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए यार। तो आप बाकी की बातें आगे करते हैं ना दो लोग। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, हम लिफ्ट में है ना, तो यार बहुत ही थोड़ा सा डरावना सा है, और लिफ्ट तो बिल्कुल थोड़ा सा झटका देता है, वैसे सही है। हम लोग अभी देखो 7th पे थे, अभी हम लोग चलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। अभी 3rd पे आ गए हम लोग, 2nd हो गया, तो इस तरीके से हम लोग पहुँच रहे हैं बस ग्राउंड फ्लोर पे, है ना। और उसके बाद बाहर की चीज़ें आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग जाते हैं बाहर। तो देखिए अब ओपन हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी चीज़ें की, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ओपन हो गया, और ये हम लोग आ चुके हैं बाहर। साइड से जाना, तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए सोचे चलो वीडियो बना लिया जाए, बारिश हुई है थोड़ा सा, है ना। और ये देख लो यार साइकिल, जो हॉस्टल्स के बाहर जो साइकिल है यार, इतनी सारी आपको साइकिल देखने के लिए मिल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ही, दोनों साइड देख लो, है ना। तो यहाँ वाला पार्ट से मैं आपको दिखाता हूँ, पानी ज़्यादा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी हुआ हुआ है। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं यहाँ से, और साइकिल उठा के आपको बाहर के व्यूज भी दिखाएंगे, सारा ब्लॉगिंग आपको दिखाएंगे सारी पार्ट। तो एक बार मैं ट्राई करूँगा कि सारा कुछ ही कवर कर लूँ, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों से बात भी करूँगा कि एक्चुअल में एडमिशन कैसे हुआ, उनका गेट स्कोर क्या था, सारे कुछ बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में यार। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा ना, तो करना क्या यार, आपको पता है, लाइक ठोको और चैनल का सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। आगे का पार्ट आपको दिखाता हूँ, तो मजा आएगा करके, हम बने रहिए वीडियो में, आगे के सारे आपको दिखाता हूँ। हम लोग अपना साइकिल उठाने वाले यहाँ से, और हम लोग आगे चलते हैं राइट। तो यार फाइनली देख लो, मैं भी एक साइकिल ले लिया अपने दोस्तों से, ठीक है, ये इनको पास एक्स्ट्रा साइकिल था, तो ये साइकिल से मैं आपको ट्रेवल करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, और वहाँ पे बढ़िया देख रहा है यार कि एक्चुअल में सारी चीज़ें IIT में कैसा होता है। तो वीडियो में बना रहो, चलते हैं आगे की तरफ। तीन दोस्त निकल चुके हैं यार, ठीक है, तो आगे की तरफ आपको चीज़ें दिखाते हैं। साइकिल देख सकते हो यार, सारी तरफ साइकिल ही साइकिल भरे पड़े चारों तरफ। यही IIT सबसे बड़ी खासियत है कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिल से ही देखने के लिए मिलेगा। तो चारों साइड के व्यू दिखाता हूँ आपको, हॉस्टल के किसी भी साइड में चले जाओ आपको सिर्फ साइकिल ही मिलेगा। तो ये बॉयज हॉस्टल से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, वो बाहर से लोग आए हुए मेस वगैरह में जो काम करते हैं, वो एक्टिवा से आपको दिख जाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ के बच्चे नहीं देखेंगे आपको एक्टिवा वगैरह से, राइट। तो ये देखो हम लोग हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं यार, तो ये ब्रेंड चला रहे हैं,
और ये आगे एक गौरव चला रहा है, ठीक है, जिससे शिवपाल चला रहे थे। तो यहाँ पे देख लो यार, यहाँ भी साइकिल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे साइकिल। देख पा रहे होंगे आप लोग कितने साइकिल से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है यार, राइट। ये मुझे लगता है इतना तो साइकिल मार्केट में अपना साइकिल नहीं मिलेगा बारिश होगी तो मौसम काफी अच्छा हो गया और थोड़ा सा ब्लॉगिंग में भी मजा आ रहा है और व्यूज भी काफी अच्छा आ रहा होगा यार, है ना। तो अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है वीडियो तो चैनल में बने रहो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सब्सक्राइब के बटन ठोक दो यार, अपने भाई का सपोर्ट करो। आप लोग के लिए अच्छी ब्लॉगिंग लेके आते रहूंगा और आप लोगों के एम्स भी जाके रिकॉर्ड करके लेकर आऊँगा और भी बहुत सारे IIT NIT का दिखाऊंगा, प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा और बच्चों से हम लोग बात भी करेंगे एक्चुअल में तैयारी वो कहाँ से किए थे और किस तरीके से किए थे, कैसे सिलेक्शन हुआ और IIT में आने के बाद उनका क्या ड्रीम है, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और ये कुछ कन्या वगैरह हैं वो भी देख पा रहे होंगे, साइकिल ही यहाँ पे सब चला रहे हैं, राइट। जानवर काफ़ी बड़ा एक्चुअल में कैंपस है तो ये आपको जंगल वगैरह देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। कुछ यहाँ तो पे बहुत देर के बाद रिप्लाई देगी ना, ऑन होगी तो ये वाला पार्ट, ये जंगल वाला पार्ट है यार, तब ना देगी रिप्लाई। और मैं साइकिल ड्राइव करके आपको देख पा रहे होंगे आराम से आपको ले जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा कुछ आपको जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ स्पेशल टाइप के, ये देख पा रहे होंगे आप, ये कितने प्यारे से देख रहे हैं ना, ये देखिए काफी सारे हैं यहाँ पे, ये लील गाय इसको बोलते हैं यार, लील गाय। काफी प्यारी है सब, अब इसको मैं बुला नहीं सकता एक्चुअली में, भाग जाएगी, बहुत फुर्तुली होती है ये और एक्टिव बहुत ज्यादा होती है तो सुनेगी नहीं, भाग जाएगी। हेलो हेलो अच्छा ये बॉयज हॉस्टल है, बीटेक है क्या ये? बीटेक का बॉयज हॉस्टल है यार, बीटेक वालों के लिए है और यहाँ पे उनके कुछ बेड चेयर्स वगैरह टेबल वगैरह स्टडी रूम में जो दिया जाता है रूम के अंदर वो वाला पार्ट पड़ा है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है। और ये दूसरी साइड में जंगल जंगल ही है यार, और ये पानी के थ्रू मैं जा रहा हूँ और सभी पानी के थ्रू ही जा रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है तो पानी तो यहाँ पे है ही। साइकिल बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ मैं तो, लगभग 2013 के बाद अभी स्टार्ट किया हूँ, 2023 में लगभग 10 साल बाद, तो एक अलग सही फीलिंग आ रहा है, मज़ा आ रहा है करके ना, है ना, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कोई भी चीज़ आप करते हैं ना तो उसमें एक अलग सी फीलिंग होती है ना, वो वाली पार्ट है। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल लिखा हुआ है और ये उनका साइकिल वगैरह आ गया अगेन हॉस्टल के बाहर जो है। देख पा रहे होंगे आप, तो ये जो है यार यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये यहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल आके खेलते हैं, देख पा रहे हो नॉर्मल जैसे कॉलेज में होता है, मोस्टली कॉलेजेस में वही वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ से बच्चे आ रहे हैं इस तरीके से, तो इधर मैं आपको ले जा रहा हूँ एकेडमिक सेक्शन में, एकेडमिक सेक्शन में चल के हम लोग देखते हैं कि क्या मिलेगा आपको। और कॉलेज कैंपस क्योंकि बहुत बड़ा है तो बच्चों के लिए यहाँ पे बैंक की फैसिलिटी ऑब्वियसली दिया जाता है, जहाँ पे ATM वगैरह है फीस वगैरह डिपॉजिट करने के लिए, या उनको पॉकेट मनी चाहिए होगा तो ATM वगैरह यहाँ पे दिया गया है, राइट, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं उनको। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं कुछ स्पेशल नहीं है, आप लोग की तरह ये हमारे तरह नॉर्मल इंसान है, कुछ स्पेशल इन पर टैग नहीं लगा, ना ही इनके सिंग है कि IIT बन गए ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं सोचना है एक्स्ट्रा दिमाग में ना कि IITians के पास कुछ स्पेशल टैलेंट होता है, कुछ नहीं यार, बस उनकी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है ना जो उसको सेलेक्ट कराती है, और वो थोड़ा सा आपसे डिफरेंट होते हैं, थिंकिंग में डिफरेंट होते हैं एक्चुअली, और डिसिप्लिन होते हैं, इनफैक्ट कह लो ना डिसिप्लिन होते हैं, अपने ट्रैक से बाहर नहीं जाते, ट्रैक से बाहर गया बेटा तो सिलेक्शन तो बाहर हो ही जाएंगे ना आप। क्या है जो भी कुछ इसमें क्यों घबरा ना, IIT में पढ़ रहे हो आप लोग, क्या नाम है? सुनिधि। सुनिधि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मास्टर्स इन केमिस्ट्री। मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर रहे हैं बच्चों, देखिए तो ये IIT पटना में पढ़ रहे हैं यार, एक बहुत ही अच्छी गर्व की बात है जो हमारे इंडिया के कन्याज हैं इस पोजीशन में पहुंच पा रहे हैं। तो आप जितनी भी कन्या वीडियो देख रहे हैं देवियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग भी आगे जा सकते हो, राइट, इनसे भी पूछते हैं। हेलो देवी जी, आपका गुड नेम? पिंकी।
पिंकी ओके नाइस नेम थैंक यू तो आपका बिलोंग कहाँ से करते हैं आप मथुरा से अच्छा मथुरा से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अभी एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हैं यस ओके कैसा एडमिशन हुआ आपका जैम के थ्रू हुआ था अच्छा आईआईटी जैम के थ्रू हुआ था और आपका सेम आईआईटी जैम के थ्रू तो क्या रैंक वगैरह रहता है तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है 500 के आसपास रहना चाहिए अच्छा 500 के आसपास रहना चाहिए बाकी कॉलेज वगैरह का माहौल कैसा है लाइक जैसे फोबिया होता है ना बच्चों में कि आईआईटी में कुछ अलग टाइप का मतलब इन्वायरमेंट होता है आईआईटीएंस बन गया तो कुछ टैग लग गया ऐसा कुछ है या नॉर्मल जैसे होते हैं ना मुझे तो नॉर्मल ही लगता है नहीं बट लाइफ बहुत फ्री है आप रात को 3 बजे भी बाहर जा सकते हो सो ये फ्रीडम मतलब और किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगी जो कि हाँ तो ये देखिए फ्रीडम के बारे में बता रहे हैं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में रात वाला पार्ट में नहीं मिलता है तो ये आईआईटीएंस में कोई एक्स्ट्रा टैग नहीं यार नॉर्मली बात होती है सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू नाइस टू मीट यू तो ये देखो यार भारतीय वायुसेना का जो ओरिजिनल एरोप्लेन है वो यहाँ पे रखा गया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पे होगा तो उसमें दिखाया जाता होगा बच्चों को सारे कुछ सिखाया जाता होगा तो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है यार काफ़ी नज़दीक से काफ़ी अच्छा लुक है आप देख सकते हो ये वाला पार्ट मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ वो देखो यार तो ये यहाँ पे रखा गया है बच्चों को सिखाने के लिए चलिए मैं आगे का पार्ट आपको दिखाता हूँ और तो मैं तो बच्चों आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ यार मेरे गाइडर जो है यहाँ पे जो एमटेक कर रहे हैं ये दोनों मेरे दोस्त हैं शिशुपाल और गौरव ठीक है इनके वजह से वीडियो बन रहा है तो इनके लिए तो एक लाइक जरूर ठोको और कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो और क्या क्या आपको क्वेश्चन क्वायरी है वो मैं कवर करने की नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करूँगा बाकी आगे का पार्ट आपको और मैं कवर करता हूँ तो कैंपस इतना बड़ा है अंदर ऑटो वगैरह चलता है ऑटो वगैरह से लोग आते हैं ये एकेडमिक सेक्शन का एंट्रेंस है यार यहाँ से बच्चे जाते हैं और एकेडमिक अपना करते हैं और इसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए ठीक है तो यहाँ पर अगर आप आईआईटी पटना आते हो तो यहाँ पर आपको एकेडमिक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा चलिए हम आगे चलते हैं इधर कौन सा पार्ट है अच्छा और ये दूसरी साइड देखने के लिए जो आपको मिल रहा है यार ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन कराया जाता है सीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पार्ट है वो यहाँ पे कराया जाता है यार अब बन रहा है ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना ये एमएनसी का डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन और उसके जस्ट बिहाइंड एआई का फुली डिपार्टमेंट है केवल सिंगल डिपार्टमेंट है एआई वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ये AI ब्रांच के लिए बन रहा है स्पेशली यार और ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा बना रहे हैं डिजाइन ये और ये यहाँ पे कंप्लीट सिखाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो मुझे लगता है कुछ बहुत ही अच्छा करने वाला है IIT पटना वो जो दिख रहा है आपको दूर वाला पार्ट वो लाइब्रेरी वाला पार्ट है जहाँ पे सारे बच्चे आकर अपना सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं बुक्स वगैरह इशू करवा कर तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही यार क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेन भी है मेरा तो मुझे जाना पड़ेगा तो ये जितना भी सपोर्ट किया इन्होंने जितना तक मुझे कवर करना था वो कवर कर पाए और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसमें एकेडमिक वगैरह आपको दिखाऊंगा और आईआईटीएंस वगैरह से बात भी करवाऊंगा यार कि एक्चुअल में उनका कैसा चला तो फिलहाल मैं यार शिशुपाल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि ये भी आईआईटी अभी पटना में एडमिशन लिए हैं तो आई थिंक गेट के थ्रू लिए राइट यस तो गेट के थ्रू लिए हैं स्कोर क्या था आपका वैसे गेट स्कोर 517 थे और इनका ब्रांच सिविल था राइट तो ये मेरे काफ़ी बचपन के फ्रेंड हैं और मैं 10 साल के बाद इनसे मुलाकात कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट हम लोग जब मिले थे जेई मेन की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में 2013 में है ना ठीक है तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ तक का ब्लॉग में जितना भी रिकॉर्ड कर पाए थे ये शिशुपाल की मदद से मैंने किया और जितना भी सपोर्ट किया अब अगर लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कोई भी आईआईटी अगर ड्रीम देखते हैं बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी आना चाहिए एक बार तो क्या आपको कुछ डिफरेंस वगैरह लगता है नो डिफरेंस मतलब अदर कॉलेज से तो डिफरेंस है आईआईटी का मतलब एक टैग है मतलब कहने का मतलब ये कि लेवल पे हाँ मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे एक अलग टाइप से फीलिंग आता है तो हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुविधाएं जो अवेलेबल है 24x7 आवर की स्टडी हो प्लेइंग हो या फिर तो प्रोफेसर वगैरह 24x7 हेल्प करते हैं या फिर कैसे होते हैं नो प्रोफेसर इन टेक्निकल एकेडमिक टाइम में होते हैं अच्छा ओके तो इंटर ब्रांच भी जाके वहाँ पे कुछ कर सकते हैं डेवलपमेंट वगैरह रिसर्च वगैरह के लिए हाँ कर सकते हैं अच्छा
तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ब्रांच सिविल है, आप मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हैं या फिर सीएससी में इंटरेस्टेड हैं या एआई में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वहाँ पे जाकर कुछ रिसर्च वाला पार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये यार आईआईटी का सबसे बड़ा खासियत ये है, और यही करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, और वो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें कवर भी किए थे यार। तो अगर नहीं सुने तो एपीजे अब्दुल कलाम के जाकर बायोग्राफी सुनिए, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना आईआईटी का, बेस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका एक फीलिंग जो होता है ना वो अलग लेवल का होता है। इंटरनल कॉन्फिडेंस आपको अलग लेवल का बिल्डअप करके देता है, जो कि आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार आई विल डू समथिंग। मतलब इतना अगर मैं पहुँच चुका हूँ ना यार इतने बच्चों को पीछे करके, 800,000 बच्चों को पीछे करके, तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा करूँगा यार जो कि बेहतरीन करके जाऊँगा और दुनिया पर डेंट डाल दूंगा यार मरने से पहले, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नहीं है जो कि जानवर की तरह मर जाएंगे। तो बाकी वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।